कचरा हुआ करता था, अब वहां क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में है। लाखों पौधे लगाकर माहौल को बेहतर किया जा रहा है। संजय मित्रानी रिपोर्ट करेंगे। कराची कंक्रीट और बेहंगम तामीरात का ऐसा जंगल बन चुका है जो हर गुजरते दिन के साथ नए मसाइल का शिकार होता जा रहा है। माहौलियात के लिहाज से भी कराची का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। ऐसे में साहिल समंदर पर अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा हवा के ताजे झोंके से कम नहीं। हुकूमत सिंध ने 2 साल पहले क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का आगाज किया, जिसमें साहेली पट्टी के साथ मैंग्रोव, मोरिंगा समेत 45 मुख्तलिफ अकसाम के 30 लाख पौधे लगाने का मंसूबा बनाया गया। तहाल 8 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिनमें 6 लाख पौधे मैंग्रोव के हैं। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के सरबरा मसूद लोहार याद करते हैं कि जब उन्होंने मंसूबे पर काम शुरू किया तो यहाँ कूड़ादान था। एक ही जगह पर इतनी बड़ी तादाद में दरख्त लगने से माहौल पर मुस्बत असरात मरतब होंगे और आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसमें हमने कोई 7 लाख दरख्त लगाए हैं, जिसमें 6 लाख मैंग्रोव हैं 83 डिफरेंट वैरायटीज के, और उसके अलावा फिर हमने ये लेगून डेवलप की। समुद्री पानी से झील बनाने के बाद अब साइबेरिया से आने वाले मौसमी परंदे भी आने लगे हैं। फ्लेमेंगो और मोरहेन जैसे नायाब नस्ल के परंदों की अफसाइश भी हो रही है। लेगून में मुख्तलिफ तरह के जो एक्वाटिक बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आए। फ्लेमेंगोज कंटिन्यूअसली यहाँ आते हैं और रहते हैं। मोरहेन, उसने नेस्टिंग की है, ब्रीडिंग की है। चीफ पैटर्न क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट मुर्तजा वहाब का मानना है कि आगाज के वक्त ये मंसूबा नाकाबिल यकीन लग रहा था। अब इस अर्बन फॉरेस्ट और परंदों की हिफाजत करना हुकूमती नहीं मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। पौधों की वजह से, उस पानी की वजह से अब माइग्रेटरी बर्ड्स आ रहे हैं और मेरे पीछे आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं ये फ्लेमिंगोस। ये तस्वीर कोई नहीं कर सकता था कराची शहर के अंदर ये चीज़ होगी। दुनिया भर की तरह सिंधु हुकूमत ने कराची में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा शुरू तो कर दिया है, इसी जज्बे से इसकी आबियारी भी होती रहे तो ये शहर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। कराची साहिल समंदर पर वाकई क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट, जहाँ 26 माह पहले 7 लाख से ज़ायद प्लांटेशन की गई, जिसमें 6 लाख से ज़ायद मैंग्रोव थे। अभी वहाँ पे 125 से ज़ायद अकसाम के जो है वो परंदों की आमद शुरू हो गई है, जो कराची के लिए खुशाइंद है। इनका कहना है कि वो उन वैरायटीज़, उन स्पेसीज़ की जो है वो परंदे यहाँ पे मौजूद हैं जो दुनिया भर में इंडेजर्ड है। कैमरामैन हमीदुल्ला के साथ संजय मथरानी, आज न्यूज़ कराची।